यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार है। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज शुद्ध श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन में 2:56 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात में 1:01 तक है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। सूर्योदय 5:41 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 6:19 पर होगा। आज जात कर्म, नामकरण, शिशु तांबूल भक्षण, भूमि प्रवेशन, सूती स्नान, भूषा घटन, शिल्प विद्या, गृहारम्भ, जीर्णादि गृह प्रवेश और धान्य छेदन के लिए मुहूर्त है। आज सोम प्रदोष व्रत है। हर महीने के दोनों पक्षों की सायंकालीन त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत को करने से शिव प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति का वर भी देते हैं। इसके साथ ही अगर किसी खास दिन यह व्रत आता है तो उस दिन से संबंधित देवता का पूजन करना अति लाभदायी माना गया है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सोम और शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रदोषों में सबसे कम बार आता है, इसलिए इस व्रत की महिमा और बढ़ जाती है। आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें, वहीं आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। सोम प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश होता है। आज सावन महीने का 8वां और अंतिम सोमवार है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव आराधना के लिए विशेष है, लेकिन उसमें भी सोमवार का दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। सावन के सोमवार को प्रदोष व्रत की तरह ही उपवास रहकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन महीने के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। सोमवार व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। सोमवार का व्रत करने से लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सावन के सोमवार में व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आज सोमवार है और सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में चेहरा देखना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर।